नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चले बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर, जो 77वीं यहां पर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर सुशील कुमार की तरफ से की गई। बैठक में 16 प्रस्तावों पर मंथन हुआ है, जिनमें मुख्य तौर पर प्राधिकरण की तरफ से 2016 में बनाए गए इंद्रलोक फेस 1 में बने भवनों के यहाँ पर विक्रय में आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए भवनों के यहाँ पर पुनः मूल्यांकन किए जाने और साथ ही टिहरी विस्थापित सुमन नगर की अवैध कॉलोनियों के यहाँ पर छूट ना दिए जाने को लेकर भी यहाँ पर मंथन हुआ है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के रुड़की में यहाँ पर नए भवन के लिए भूमि चयन किए जाने के संबंध में भी मंथन किया गया। ये दोनों विषय क्योंकि विगत बैठकों में प्राधिकरण के आए थे, तो हमने शासन को दोनों को भेजा हुआ है और दोनों पर कार्रवाई अभी शासन स्तर से चल रही है, लेकिन अभी क्योंकि शासन स्तर पर है वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और विचार विमर्श के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरह के आवास हैं वहाँ, MIG के भी आवास हैं और EWS के भी आवास हैं। तो अभी उसमें ये हुआ है कि 3 माह के लिए एक पंजीकरण खोल